जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न बाबा आप लोग का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अधर्म का शत्रु में। मेरे प्यारे मित्रों, सरारी गांव में सांप निकला हुआ है और हम लोग सही समय पे आ चुके हैं और चलिए चल के देखते हैं कौन सा सांप है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, सांप इसी के अंदर रखा गया है। साथियों, कल रात को लगभग 8 बजे फोन आया है कि सांप निकला हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं फोटो उसका ले करके हम मेरे पास भेजे, तो हमने उसको देखा तो उसको जो है हम लोग दुधिया घोनस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग दुधिया घोनस कहते हैं। और वह सांप जो है नॉन वेनमस होता है, उसमें जहर नहीं होता है लेकिन काटता है। बहुत लोग कहते हैं कि उसके छू देने से संक्रमण हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साथियों, नजदीक से दिखाइए साथियों, यह सांप को लोग दुमुहा सांप कहते हैं लेकिन असल में इसका दो मुंह नहीं होता है। पूंछ इसका झड़ जाने के चलते जो है इस सांप को लोग सोचते हैं कि दुमुह होता है। बहुत लोग का ऐसा कहना होता है, बहुत लोग का कहना ये होता है कि यह सांप 6 महीना एक मुंह से खाता है और 6 महीना दूसरे मुंह से खाता है, लेकिन यह सब अंधविश्वास है। तो आइए इसको हम बाहर पहले निकालते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथियों, बाहर निकाल के इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। यहाँ दिखा दीजिए सर। हेलो कसीना जी, आजिए आप आजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साथियों, इसको इंग्लिश में सैंडबोआ के नाम से जानते हैं और हिंदी में दुधिया घोनस के नाम से जानते हैं। साथियों, बहुत लोग इसे रसल वाइपर समझ लेते हैं। रसल वाइपर काफी खतरनाक सांप होता है, जो जिसमें हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है, जो काफी खतरनाक होता है। जब रसल वाइपर किसी को काट लेता है तो देह सड़ने लगता है, जहाँ पे काट लेता है तो वहाँ पे गैंग्रीन होने लगता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी सांप को आप कैच ना कीजिए बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके बारे में जानकारी के आप उसका रेस्क्यू ना कीजिए। और साथियों, रात को लगभग 8-9 बजे करीब में यहाँ पे यह सांप निकला हुआ था, तो लोगों का कहना था कि लोग काफी डर गए थे, इस सांप को देख के काफी डर गए थे। मुझे उम्मीद है कि यह सांप हम भी पहली बार रेस्क्यू किए हैं, ऐसा सांप देखने को बहुत कम मिलता है सब। और इस सांप को बहुत लोग बोलते हैं कि इस सांप को डायन भूत लोग भेजता है। बहुत लोग का कहना होता है कि डायन भूत ये सब सांप घर में भेजता है, लेकिन ये सब अंधविश्वास है साथियों। यह सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, काटता है, काटने से जो है ब्लड निकाल देगा लेकिन जहरीला नहीं होता है। थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका पहचान काफी सिंपल है। इसके पूरे शरीर पर जो है इस तरह का धारीदार रचना रहेगा, देख सकते हैं साथियों।
यह सांप हम पहली बार पकड़े हैं, थोड़ा बहुत हमको भी डर लग रहा है। यह सांप काटता है लेकिन इसके काटने से कुछ होता नहीं है। और साथियों इसको आइए डिब्बे में पैक करते हैं। डिब्बा निकालिए, चलिए ठीक है। और इस डिब्बे में हम लोग छेद किए हैं, इसको इसमें रखते हैं। यह सांप काफी शांत स्वभाव का होता है, काटना नहीं चाहता है जल्दी किसी को, काफी शांत स्वभाव का होता है। और यह सांप अक्सर जो है किचन में और घर के आसपास चूहा हुआ खाने के लिए आ जाता है। चूहा खाने में इसको महारत हासिल है, चूहा खाने के लिए जो है हमारे घरों के आसपास आ जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार के जीव जंतुओं को आप लोग नहीं मारेंगे और आप लोग इस जीव जंतु को बचाइए। कहीं भी कोई भी सांप निकलता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग सही समय पर वहाँ पे आएंगे और इसने का रेस्क्यू किया जाएगा। और कोई भी सांप काट लेता है तो उससे किस तरह बचना है आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। यूट्यूब चैनल जो मेरा अधर्म का शत्रु है उस पर आप लोग वीडियो को देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप अपने आसपास किसी को सांप काट लेता है तो आप उसका जान बचा सकते हैं केवल वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इंसान सांप काटने से न मरे और सांप का भी जान बचाया जाए। और जैसा कि देख सकते हैं काफी अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, ये लोग जो है सांप की जान बचा दिए और इनके थ्रू जो है यह सांप अब पर्यावरण में चला जाएगा। एक बार जो है आप लोग इनके प्रति लाइक कीजिएगा वीडियो को। और चलिए इसको हम लोग रखते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग सांप को डिब्बे में रख लिए और इसको ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यह सब सांप जंगल में रहना चाहते हैं, भूल चूक से भूख प्यास के चलते जो है हमारे घरों के आसपास आ जाते हैं, लेकिन ये सब सांप के लिए जंगल ही अच्छा जगह है, इसलिए इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और मेरे प्यारे मित्रों फिर मिलते हैं किसी अच्छे जानकारी वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।